नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज 24। मैं हूं वैशाली। राजस्थान में इन दिनों सरपंच चुनावों का माहौल है और सरपंच चुनाव में खड़े सभी दावेदार गांववासियों को लुभाने के लिए एड़ी से चोटी का जोर लगा रहे हैं, लुभावने वादे कर रहे हैं। आपको बता दें कि सरपंच चुनाव के लिए ठाकुर अमर सिंह, अमर सिंह परमार, ब्रजगोपाल शिमोली, बाबूलाल हीरागर, रतन सिंह, जीवराज जी बोहरा और जब्बर सिंह ने अपना नामांकन किया है। इन्हीं दावेदारों में से वो लोग भी शामिल हैं जो पहले सरपंच रह चुके हैं और एक बार फिर अपने सरपंच बनने का सपना देख रहे हैं। लेकिन उन्होंने अपने पिछले कार्यकाल में लोगों को कितना खुश रखा और सरपंच रहते हुए अपनी जिम्मेदारियां कितनी ईमानदारी से निभाई, इसकी जमीनी हकीकत जानने के लिए प्राइम न्यूज 24 की टीम पहुंची पाली जिले के आदर्श ग्राम बूसी पंचायत में, जहां हमारे सहयोगी विक्रम दया ने गांव वालों से बात की और जाना कि वो इस पंचायत चुनाव में किसे अपने सरपंच के रूप में देखते हैं और क्यों। ये नदी के पास रहते हैं, हमारे जगह नहीं है और रहने के लिए बच्चे हैं तो कहाँ रहे, हमारे जगह नहीं है, इसके लिए मैं नदी के किनारे ऊपर बैठा हूँ। प्राइम न्यूज 24 के लिए डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो विक्रम दया की खास रिपोर्ट।